Hi guys, very good morning. This side JP Chauhan once again in front of you. और आज का जो दिन है बहुत ही खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर के अंदर जाके दुबक कर बैठ गए हैं। ये त्योहार का जो दिवस है, ये त्योहार का जो माहौल चल रहा है, किसकी वजह से? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की बदौलत आज सभी लोग अपने घर के अंदर बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हैं। आज क्या है, आज जनता कर्फ्यू का जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ घर में बैठ के सभी लोगों के साथ में जो पकौड़े के आनंद लिए जा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सुबह सुबह बहुत मजा आ रहा है, सुबह से कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब कोरोना के भी एक बार चकते फट्टे हो गए हैं, कोरोना भी भागता फिरेगा कि भाई यार ये इंडिया क्या है यार, पता नहीं कुछ ना कुछ करता रहता है हमेशा, वर्ल्ड को कुछ ना कुछ उठपटांग करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। मतलब सबकी एक बार आंखें खुल जाती है। सो वी आर ऑलवेज डिफरेंट गाइस, वी आर ऑलवेज डिफरेंट। तो वही डिफरेंस हर एक स्टूडेंट के पास में भी है, हर एक टीचर के पास में भी होता है। बस उस डिफरेंस को क्रिएट करने की जरूरत होती है, उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। वो कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस के साथ में आता है। आपको हमेशा क्या करना होगा, अपने आप को क्या करें, आप ओपन कर लें लोगों के बीच में। शायद टॉपिक से थोड़ा पटक गया हूं। आज अपन क्या बात करने वाले थे कि फिजिक्स को आप जीरो से एक हीरो लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव योर फिजिक्स, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं होती है फिजिक्स को करने के लिए, कोई ट्रिक नहीं होती है। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मे भी आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं कि किस तरीके से मैंने अपनी फिजिक्स को एक लेवल पे लेके आया हूं। हाँ, अभी भी मेरे पास मेरा लेवल उस लेवल तक नहीं है कि मैं कि कोई भी क्वेश्चन ला के रख दो और मैं सॉल्व कर दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो कि कोई भी टीचर अगर इस तरीके से बोलता है, इसका मतलब वो टीचर नहीं है। मैं बता दूं आपको, तो हमेशा बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न थिंग्स, और मेरा लर्निंग जो सोर्स है वो क्या है, स्टूडेंट्स ही होते हैं, आप लोग ही होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ओपन कर देता हूं लोगों के बीच में कि हाँ आप पूछें, आप जो पूछना है पूछें, आप यू जस्ट आस्क, क्या होगा अटकूंगा यार। सो आपसे ही सीखता हूं मैं, आप कुछ नया क्वेश्चन लेके आते हैं, नहीं आता है तो ढूंढता हूं, इस तरीके से लोगों से पूछता हूं। मेरे कुछ सीनियर लोग हैं, साथ वाले लोगों से पूछता हूं, वो मुझसे पूछते हैं, बताते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से ही आप अपने सब्जेक्ट को क्या है, अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सबसे मेन चीज जो आपकी है, अगर आपको किसी भी चीज को एक लेवल पर लेके जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नॉलेज को शेयर करना बहुत जरूरी है यार। वो भले आप स्टूडेंट के बीच में करें, स्टूडेंट टीचर के बीच में शेयर हो, पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में शेयर हो, पर नॉलेज का, ज्ञान का आदान प्रदान जब होगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सबसे शानदार चीज जो है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को समझ में आनी चाहिए, जो आज की डेट में समझना नहीं चाह रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ बुक लेके बैठ जाते हैं कि बुक से मुझे सारा ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं। बुक से आपको सिर्फ एक प्राइमरी स्टेज आपके हाथ में आती है, लेकिन सेकेंडरी स्टेज, जैसे कोरोना का स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री चल रहा है, देखा रूप धारण कर रहा है, उस तरीके से आपका फिजिक्स भी एक रूप धारण करेगी। स्टेज वन, सिर्फ तीन कोरोना के मरीज पाए गए है ना, स्टेज वन के अंदर सिर्फ तीन कोरोना के मरीज पाए गए। स्टेज टू के अंदर देखो आप 50 पहुंच गया, या फिर उसके बाद स्टेज थ्री पे देखो आप 250 पहुंच गया आंकड़ा। तो आपका फिजिक्स भी इसी आंकड़ों को छुएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि लोगों को आपस में इंटरेक्ट करना होगा। तो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमीने कहीं एक नंबर के कमीने, उनको पता नहीं कितना समझाना पड़ता है। आपस में इंटरेक्शन नहीं करें, आपस में इंटरेक्शन नहीं करें यार, बिकॉज कोरोना बहुत ही एक संक्रमण है, और सभी लोगों को अगर सेफ रहना है तो प्लीज स्टे एट होम, ट्राई दिस एट होम। बाहर ट्राई ना करें, घर पे मेल मिलाप कर लें, आप अपने आप को आइसोलेटेड रखें यार दोस्त, क्योंकि आपका सबको अपने आप को बचाना है, और यही एक देशभक्ति होगी राइट। तो कोरोना की तरह ही आपका फिजिक्स भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, प्रोवाइडेड आप नॉलेज को शेयर करें, लोगों के बीच में बांटें। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूं, मैंने जब फिजिक्स, मतलब मैं 11 12 क्लास के अंदर था, तो मैंने अपनी फिजिक्स में मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं करता था, मुझे बहुत डर लगता था। यूजुअल सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चीजें समझ के करनी होती है आपको, बायोलॉजी के अंदर क्या है, हाँ हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत होते होंगे उसमें भी, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बहुत याद करने के, जो याद कर लिया, लिख लिख के याद कर लिया, ये होता है तो ये होता है। केमिस्ट्री के अंदर भी मगलब करने की बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन फिजिक्स जो है आपको क्या होती है, अब जैसे केमिस्ट्री के अंदर दिखता ही नहीं है साला, कुछ नजर नहीं आता है, H2O के मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल, ब्ला 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 ऐसा। बायो के अंदर भी शरीर के अंदर चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होती है, चीजें दिखती है, भाई कार इज एक्सेलरेटिंग, साला एक्सेलरेट कर रहा है वो भाई, तो कोरिलेट कर लेते हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो चीजों को देख पाते हैं आप, पढ़ भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो इसलिए कंफ्यूजन होना एक जायज सी बात है ना। तो इसमें डरना नहीं है आपको, तो फिजिक्स में कंफ्यूजन हमेशा होगा, बट आपको क्या करना होगा, लोगों से एक एग्जैक्ट सोर्स को आइडेंटिफाई करें, इंटरनेट है आपके पास,
सोर्स को आइडेंटिफाई करें, वहां से आप ज्ञान का अर्जन करें। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी क्या किया, मेरे को मेरा फिजिक्स बहुत गंदा था यार, मेरे को मतलब बहुत डर लगता था, लिटरली मेरे को इतना डर लगता था फिजिक्स के अंदर, वो उस डर को ही मैंने ओवरकम करने की कोशिश की, क्योंकि डर के आगे जीते भाई डर के आगे जीते। जब आप डरना, जब आपको कोई चीज डराना शुरू कर दे, मतलब वो एक क्षण होता है जो आपको उस चीज के पार लेके जाएगा। बस उस क्षण को जिसने क्रॉस कर लिया वो आर पार लग गया, उस क्षण को जिसने क्रॉस नहीं किया दोस्त यार वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि डर हर जगह होगा। अभी तो फिजिक्स के अंदर है, कभी लाइफ में आगे जाएंगे आप तो वहां पर भी कुछ ना कुछ डर होगा। बस उस क्षण, उस पल को आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पल को ओवरकम कर जाना है। उस पल को जिसने ओवरकम कर गया, छू गया दोस्त। तो घर से बाहर ना निकले, छूने ना जाए, आपको छूना नहीं है, छूना ना आगे नहीं जाना, राइट। तो बस इसको ध्यान रखना है, आपको यही बने रहना है, घर पे बने रहे, डट के बने रहे हैं आप, कोरोना से सेफ रहना है अपने आपको, राइट। कोरोना कर डालेगा आपका, ध्यान रख लेना, घर के अंदर रहना बहुत भारी है, नाम भी कोरोना है उसके। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया, मैंने आगे बढ़ता गया। अब मैंने अपनी 12th क्लास के बाद में इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के अंदर भी मैं कुछ होम ट्यूशन वगैरह लेता था, लोगों को जाके पढ़ाता था, बट वो उस समय खाली बस मैं बोर्ड लेवल की या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाता था मैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर कॉलेज में शुरुआत के 2 साल तो पढ़ाया, फिर उसके बाद में थोड़ा मौज मस्ती कर ली जाए यार, तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के अंदर मौज मस्ती में चले गए, मौज मस्ती के बाद में थोड़ा और समय, फिर उसके बाद में फिर घर पे आ गए। अब घर पे तो भाई साहब इंजीनियरिंग हो गई, फिर तो नौकरी करनी बहुत जरूरी है, वरना घर वाले ले लेंगे, ध्यान रख लेना घर वाले ले लेते हैं लिटरली। जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन हो गई, लड़की है तो शादी पक्का है, लड़का है तो नौकरी पक्का है, कुछ भी हो छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी आपको, घर से मुंह छुपाने के लिए कि भाई कुछ कर रहा है फालतू नहीं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो नौकरी करने चले गए, 5-6 साल तक मैंने नौकरी बजाई, क्या कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर नौकरी बजाई, फिजिक्स से बिल्कुल हाथ छूट गया। अब सोचें आप, किसी भी सब्जेक्ट से अगर 5-6 साल अगर आपको ब्रेक मिल जाए तो उसके बाद में उस सब्जेक्ट के क्या हाल होते हैं, क्या आलम होता है उस सब्जेक्ट का। तो मेरे जीवन में भी कम से कम 6-7 साल का ब्रेक आ गया फिजिक्स के अंदर। अब मेरे को, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मेरा हमेशा एम रहा है कि मैं अपनी सिटी में रहना पसंद करता हूँ, आई लव वेरी मच माई सिटी, माई पीपल, मेरे परिवार, मेरे को बहुत अच्छा उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं कभी बाहर जाऊँगा। तो अब तो फिर सबसे अच्छा सोर्स क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर एजुकेशन जो होता है वो एक बेस्ट सोर्स होता है जो कहीं भी आपका इनकम सोर्स बन सकता है, है ना, इनकम सोर्स बन सकता है। आप अपने आपको एक तरीके से आप अपने आपको बेच रहे हो यार, और तो क्या कर सकते हैं। बस कुछ ना कुछ अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो थोड़ा सा एक अगर मिल जाता है तो मैं आपको बेच पाऊंगा और अच्छे तरीके से, सीधी सी बात ये है, और अच्छे से मैं आपको सेल कर पाऊंगा, आपको ही फायदा दे पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक पैसा आना भी जरूरी होता है ताकि रूटीन बना रहे, इंटरेस्ट बना रहता है, राइट। तो धीरे धीरे क्या करा, चलो अपने आपको बेचना शुरू किया, सबकी दौड़ में लग गए। अब सब्जेक्ट को मुझे उस लेवल पर लेके आना है, अब सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो हो गया है। तो बिलीव मी, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल के अंदर मैंने पढ़ाना शुरू किया, स्कूल के अंदर रोज पढ़ा, मतलब बिल्कुल जीरो था मैं स्कूल के अंदर, मुझे कुछ नहीं आता था, जब स्कूल में पढ़ाने गया मुझे कुछ नहीं आता था, बट रोज यहाँ पर घर पे बैठ के एक्सरसाइज करता था बैठ के, है ना, एसएल अरोरा, आई स्टार्टेड माई फिजिक्स, माई लाइफ ऑफ फिजिक्स विद एसएल अरोरा। मुझे बहुत अच्छी, मतलब बेसिक्स को अगर आपको पकड़ना है तो एसएल अरोरा एक धनपत राय पब्लिकेशन का, शायद पब्लिकेशन हाउस, शायद धनपत राय पब्लिकेशन ही है, उस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रदीप पढ़ लो, प्रदीप आई डोंट लाइक यार, हटाओ फेंक दो प्रदीप को, मेरे को बकवास बुक लगती है सीरियसली, मतलब मैं उसकी अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ, बुक का क्या अपमान करना होता है, बिकॉज एसएल अरोरा द वे इट हैज रिप्रेजेंटेड द फिजिक्स इज वेरी गुड। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर मजा नहीं आएंगे आपको, पर लेकिन स्टिल आप स्टार्ट कर सकते हो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो यूट्यूब का चैनल भी नहीं था जहां से मैं एक एक चीज सीख लूँ, क्योंकि प्रॉपर मुझे एक ऑर्डर में जाना है। तो जिन लोगों की फिजिक्स बिल्कुल जीरो है, स्टार्ट एसएल अरोरा से स्टार्ट, क्योंकि मैंने अपनी फिजिक्स ऐसी बनाई है, जैसे मैंने अपनी फिजिक्स बनाई मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं एसएल अरोरा पढ़ता था, एसएल अरोरा पूरा पढ़ा मैंने, एसएल अरोरा के एक क्वेश्चन करता था बैठ के मैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सब तरह के क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन कर डालोगे फिजिक्स के अंदर, जब आप जीरो थे, जीरो से आप पहुंचोगे कहां पर, 70% पे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप बहुत 100% पे पहुंच जाओगे, आप 60% मान लो, 70 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 60% आपकी फिजिक्स कंप्लीट हुई। फिर 10% और प्लस कब होगी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी कभी भी पहले मत पढ़ना, पता नहीं किन अंग्रेजों के, किस अंग्रेज ने बनाई इस एनसीईआरटी को, बिलीव मी डायरेक्टली एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगी, जिसको पहले से फिजिक्स आती है वही एनसीईआरटी समझ सकता है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप एसएल अरोरा पढ़ेंगे, आप जो मैंने क्या बता रहा हूँ यार, मैं जो लोग मुझे मानते हैं, शायद जो मुझे देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे पास सब्जेक्ट में कुछ मैंने नॉलेज अर्ज किया है, गेन किया है, तो मैंने इसी तरीके से गेन किया, एसएल अरोरा पढ़ा, उसके बाद में मैंने क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बोला। मैं अपने आपको टारगेट देता था, बच्चों कल अपन एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर एक स्लॉट के अंदर मैं आपके सारे डाउट डिस्कस करूंगा। तो मैं पूरा चैप्टर का एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ता था, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करके रखता था, हाँ कल पूरी भीड़ आने वाली है, कल बच्चे आने वाले हैं, तो मैं अपने आपको टारगेट सेट करता था, अपने आपको उसमें डाल दो आप, एक
मतलब अपने आप को एक उसमें मतलब उसके अंदर एक कोरोना में डाल दो मतलब फंसेगा आदमी 100% फंसेगा, उसके बाद करना ही पड़ेगा। तो जब तक प्रेशर नहीं क्रिएट होगा ना तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रेशर मैं हमेशा क्रिएट करता था अपने ऊपर कि हाँ मेरे को कहीं ना कहीं टारगेट देता था, उसकी वजह से मुझे करना है करना है। अगर आप जस्ट लाइक दैट आप ऐसे ही बैठ जाओगे, अगर आप उस बिना टारगेट के अगर आप करोगे ना आपसे नहीं होगा ना। तो एक टारगेट सेट होना बहुत जरूरी है। तो आपका टारगेट आपका नीट एग्जामिनेशन है, लेकिन नीट एग्जामिनेशन जो होता है वो क्या पूरा साल भर 2 साल के बाद होता है जो 11th में होते हैं। तो 2 साल का टाइम आपको लगता है बहुत लंबा, कर लेंगे, तो इस वजह से आप आलस खा जाते हो और यू मिस द टारगेट। तो आपको टारगेट छोटे छोटे पर डे, हर डे की टारगेट बनाए आपकी। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे मेरे दोस्त को पूरा चैप्टर पढ़ा देना है। ऐसे करो, आप पढ़ाओ है ना, पूरे मेरे दोस्त को पूरा चैप्टर मुझे पढ़ाना है, एक एक न्यूमेरिकल मुझे करवाना है। खुद रजिस्टर से देख के नहीं, पूरा एक टीचर कैसे पढ़ाता है, बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं होता ना, बेयर हैंड्स, बिल्कुल एक मार्कर होता है वैसे पढ़ाता है, उसी तरीके से आप क्या करो, उसको कॉपी पेन लेके बैठे एक दिन के अंदर उसको पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसके लिए आपको बैकएंड में तैयारी करनी पड़ेगी। और बिलीव में जब आप तैयारी करके उस आपके साथी को पढ़ाओगे ना आप, और सब्जेक्ट में जो मजा आएगा ना आपको, तो इसी तरीके से मैंने भी तैयार किया है। मेरे साथ में मेरे जो को टीचर्स थे उनको पढ़ाता था मैं। बहुत सारे टीचर्स भी आपस में डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब टीचर अपने आप में वर्सेटाइल हो चुके हैं, सबको सब कुछ आता है। मेरे को भी कभी कुछ नहीं आता है, काफी कुछ चीजें मुझे सीखना बाकी है। तो इसलिए मैं अपने आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर लेके आ गया हूं, सो दैट आई कैन हैव अ बेटर लर्निंग इन माई लाइफ, आई कैन अपलिफ्ट माई सब्जेक्ट, है ना। जितना अपलिफ्टमेंट होगा उतना मुझे मजा आएगा, आई एंजॉय माई सब्जेक्ट, है ना, एंड आई एंजॉय डीलिंग विद स्टूडेंट्स, डीलिंग विद पीपल जिनको बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि यार जितना टाइम मुझे लगा उतना टाइम उनको नहीं लगे। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने खुद से कुछ प्रिपरेशन की है ना, खुद से कुछ सीखा है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर किसी से सीखा है आपने तो वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बार बार आप भूलते हो। तो खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे तो एक यूनिकनेस आती है आपके अंदर, एक यूनिक तरीके से आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हो लोगों के बीच में, लोगों को समझाते हो, तो एक अलग तरह का एक इंसान बन के निकलता है जब आप खुद से अपने आप को डेवलप करते हो। तो मैंने अपने साथ वाले को टीचर्स को पढ़ाया, स्टूडेंट के सामने टारगेट सेट करता था, तो इस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट को ऊपर उठाता था। बहुत सारे स्टूडेंट अटका भी देते थे, मजे भी लेते थे, अरे यार टीचर बेकार है यार, उसको तो बार बार अटक जाता है, कोई बात नहीं यार, वो स्टूडेंट अभी मेरे को अटका के जाएगा, वो टीचर मुझे अभी मेरी नेगेटिविटी शो करेगा, बट आफ्टर टाइम, आफ्टर सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम आई विल ओवरकम दैट। तो मैं पीछे वाले गेट से आगे आ रहा हूं यार, मेरा रास्ता जो है पीछे वाला रास्ता चल रहा है, आप समझे उस चीज को। डायरेक्ट पाथ नहीं, देयर इज नॉट डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट गेट दिख रहा है वो नहीं होता है, हमेशा आपका रास्ता जो होना चाहिए वो एक अलग रास्ता होना चाहिए। तो मेरा रास्ता हमेशा वही रहा, हमेशा मैंने अपने आप को हमेशा ओपन रखा है। तो आप भी अपने आप को क्या करें, अपने पीयर्स, अपने साथी लोगों के बीच में अपने आप को पूरा खुला छोड़ दें, आप उनको आप अलाउ करें, है ना, आपके अंदर इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि लोग जितना पूछेंगे ना तो आपका दिमाग उतना खुलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटक सकते हो। कि अदरवाइज आप अपने को क्या लगता है, आपको हमेशा अपने आप से पूछोगे, आप में कभी कमी नजर नहीं आएगी, हमें को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। जिनको नजर आती है वो अपने आप से ग्रो कर जाते हैं, जिनको नजर नहीं आती है तो लोगों के सामने खुला छोड़ दो, लोग आके आपकी कमी निकालेंगे और वो सही निकालेंगे कमी एकदम, बस उन कमियों पे आपको काम करना है। ये लोग तैयार, आप लोग आराम से तैयार हो गए। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर उसके बाद में अब मेरे को नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आ गया, मेरा 70% फिजिक्स तो रेडी हो गया। अब मुझे था कि यार जब सब्जेक्ट में हाथ ही डाला है तो यार क्यों ना पूरा इसको एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाएं। तो हमने क्या किया, तो मैं कोचिंग तो लेते ही था, वहां पर हम बोर्ड लेवल की कोचिंग तो करवाई। तो अभी मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक्सपोनेंशियल लर्निंग नाम से हम रन करते हैं, उसी नाम से एक्सपोनेंशियल फिजिक्स भी चलता है, उसी नाम से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स भी चल रहा है आज की डेट में, और आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल बायोलॉजी, एक्सपोनेंशियल केमिस्ट्री भी आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने कदम रखा है, मैथ्स भी स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद में आपको धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट मिलते जाएंगे एक्सपोनेंशियल, राइट। तो उसके बाद में मुझे क्या करना था, मुझे फिजिक्स को क्या करना है, और अच्छे लेवल पे लेके जाना है यार। अब और अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो क्या करा जाए। तो उसके लिए अपने आपको क्या किया, वापस आग में सर डाल दिया हमने। क्या करना है भाई, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ाओ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर आपने जेई लेवल पे चले गए, अगर आप क्योंकि फिजिक्स जेई के अंदर जो फिजिक्स का लेवल होता है वो अलग ही फाड़ होता है, फाड़। तो अगेन हमने अपने आपको क्या करा, कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करके हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। हमने उनको पढ़ा बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, नॉमिनल जॉब, मतलब एक तरीके से मतलब समझ लो चाय पानी का खर्चा निकलता है, पर खर्चा आना बहुत जरूरी है यार। 10 रुपये भी अगर आप मिलेंगे तो एक तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड होता है, वहां से आपको थोड़ी सी एक एनर्जी, एक बूस्टर मिलता है कि एक रीजन मिलता है कि हाँ कुछ तो है। तो यू नीड टू क्रिएट दोज रीजंस, आप एक रिवार्ड सिस्टम बनाए अपनी लाइफ के अंदर डेली कि हाँ अगर मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, किसी साथी को पढ़ाओगे, एक काम करो यार साथी ढूंढो जिसके पास में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए कोचिंग देना चाह रहे हो, आप क्या करो 5000 रुपए लो उस बच्चे से, मैं वहां से पढ़ गया आऊंगा, 5000 में तेरे को पूरा कोर्स करा दूंगा मैं। मतलब इस तरीके से आपको बहुत फायदा होने वाला है, उसको तो फायदा होगा यार, वो जीवन भर आपको दुआएं देगा, उसकी दुआएं कहीं काम आ गई आपको तो मजा आ जाएगा। तो वही दुआएं मैं भी लेना है आपके सामने।
तो सब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर उठाना, तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने सेलेक्ट किए, उन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया। बैठते थे दोनों मिल बांट के, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एस सी वर्मा बुक होती है एक फिजिक्स के अंदर, है ना, मिल बांट के भाई मेरे जो कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, उन कॉन्सेप्ट को मैं एस सी वर्मा में लगाने की कोशिश करता था, भाई लगते नहीं थे, अलग ही बीमारी है। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे पता पड़ा कि यार एस एल अरोड़ा से कुछ नहीं होना है। एस एल अरोड़ा के जो कॉन्सेप्ट हैं, मैंने आपको बोला ना 100% फिजिक्स नहीं कवर होती, 70% ही कवर होती है। कोई भी बोर्ड वाली, कोई भी नॉर्मल बुक जो होती है जिसके अंदर आप सीबीएसई कवर कर पाते हैं, तो वो आपके सारे कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट को डिलीवरी का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जो कॉम्पिटेटिव से मैच नहीं करता है। तो इसी वजह से जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो कॉम्पिटेटिव में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को करने के लिए। अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग सेट ऑफ थ्योरी होती है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है। इसलिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, क्योंकि उसको उनका फ्लेवर समझ में आ गया है। तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए फिर हमने क्या करा, और स्टूडेंट्स को पकड़ा। अब बात ये थी, अब दूसरे स्टूडेंट को मैं पढ़ा तो रहा हूं, पर यार क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, यार क्या करें क्वेश्चंस हो नहीं रहे। फिर यूट्यूब चैनल पर आए, लोगों को वॉच करना, लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने फिजिक्स वाला मैंने भी देखा है, मैं हर एक चैनल को वॉच करता हूँ। मैं कभी किसी को, भले कितना भी घटिया से घटिया, कितना भी अच्छे से अच्छा चैनल हो, आज की डेट में पिछले 4-5 साल से मैं हमेशा वॉच करता हूँ, बिकॉज हर एक टीचर के पास में एक यूनिक चीज़ तो होती है। भले 100 में से 99 चीज़ें वो बेकार पढ़ाता हो, लेकिन एक यूनिक चीज़ आपको चाहिए होती है। तो आई ऑलवेज वॉच वीडियोज, आई ऑलवेज लिसन टू पर्सन, आई ऑलवेज लिसन टू स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज लिसन टू एनी टीचर, भले वो हिंदी मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का हो, पाकिस्तान से हो, पर आई ऑलवेज लव टू लिसन। और ऐसा नहीं कि 5 मिनट में मैंने उसको रिजेक्ट मार दिया, नहीं यार, उसको एक घंटा अगर उसका लेक्चर है तो कहीं नहीं, एक घंटे की अगर उसने डिलीवरी दी है, बिलीव मी उसके पास नॉलेज है, तभी वो एक घंटे यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना पा रहा है। अदरवाइज इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आज भी अगर मैं 2 घंटे का वीडियो बना रहा हूं, तो मॉर्निंग में 8 o'clock शार्प स्टार्ट होता हूं, और इवनिंग रात को, कई कई बार वीडियो आपने देखे होंगे रात की 9-10 बज जाती है, तो जो 2-2 घंटे वाले वीडियो हैं वो कम से कम 12 घंटे ले लेते हैं। आपको शूट करना है, पूरा कन्फाइंड, पूरा चैप्टर आपको बांधना है। तो इस तरीके से क्या है कि वो तभी हो पाता है जब आपके पास कुछ नॉलेज आपके पास अंदर आ गया हो। तो हर एक के पास में यूनिक चीज़ होती है, तो वो स्टूडेंट के पास, आपके साथी के पास में भी हो सकती है। कई बार आप क्वेश्चन में अटकते हो, है ना, आपके साथी से डिस्कस करो, उसकी एक यूनिक अप्रोच हो सकती है, जो हो सकता है उस टीचर से भी ईजी हो। ये कई बार होता है। सो आई ऑलवेज डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि भैया तेरी क्या अप्रोच। कई बार होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार क्लास के अंदर कोई कोई बच्चे नहीं होता है, वो जल्दी जवाब दे देते हैं, तो मैं उसको खोपचे में लेके आता हूँ, अरे बेटी इधर आ यार, तू यार क्या कैसे कर लेता है यार, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ यार इतना जल्दी। तो अब मन में तो जानते हैं, मन में तो हम रखते हैं कि हाँ यार भैया ये तो बहुत फास्ट वाला सिखाया मैंने, और मेरे सीखा हुआ साला और मेरे से फास्ट कर रहा है, मैं कहीं करा भाई ऐसा। तो उसको साइड में बुला के मैंने कहा यार, सब बच्चे चले जाते हैं, फिर साइड में उठा के उसको पूछता, फिर उससे मैं ऐसी बात करता हूँ, और बेटा क्या हाल है, ऐसे ऐसे करके, यार तू बड़ा फास्ट कर रहा है यार, कैसे करके, उसको अप्रिशिएट करता हूँ यार, बहुत शानदार कर रहा है, बताना कैसे कर रहा है तू। इसी तरीके से लर्निंग होती है, बिलीव मी यार, इसी तरीके से लर्निंग होती है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं मैं, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखे हैं, काफी स्टूडेंट से सीखे हैं, काफी टीचर से सीखे हैं, तो एक वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, वैरायटी ऑफ टीचर्स, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स मेरे पास में है, तो उन्हीं सभी को मिक्स करके मैं एक डिलीवरी आपके सामने लेके आया हूं, कुछ मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को, मतलब आपको दिन रात आपको क्या करना, आपके कान, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका मुंह सब खुले रहने चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू गेट प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न थिंग्स। जहां से आपको लर्निंग हो यार, सब्जेक्ट की जहां से लर्निंग हो, तब जाके बन जाता है फिजिक्स। मतलब मैं ऐसे ही नहीं बन जाता हूँ फिजिक्स, मैं ऐसे ही नहीं बन जाता हूँ रजनीगंधा। बहुत मेहनत लगती है। तो फिजिक्स, तो किसी भी सब्जेक्ट को भी अगर आपको उस लेवल पर लेके आना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार दोस्त। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था यार, जैसी मेरी लाइफ, जो मेरी लाइफ चली, वही मैंने आपको शेयर की है। और अंत बस वीडियो को इसी से करना, जनता कर्फ्यू बिल्कुल बने रहना चाहिए पूरे लास्ट 9 बजे तक। प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है यार, मतलब मैं व्यक्ति विशेष से मैं प्रेम करता हूँ यार, कोई पार्टी वार्टी का आदमी मुझे समझ में नहीं आता है, वो बीजेपी के होंगे, आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर बीजेपी, बट यस, व्यक्ति विशेष से मुझे प्रेम हो जाता है यार। मतलब उनका तरीका स्वच्छ भारत अभियान यार, मतलब कोरोना की फट गई सेम है यार। और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स में वो क्यों काउंट होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। सो जय भारत, जय हिंद, और विजय ओवर कोरोना। तुम भी कुछ करो ना, लेट्स करो ना, लेट्स प्ले करो ना, kick it out, right? Stay at home, stay healthy, stay wise to yourself, be honest with yourself. घर के अंदर रहें, लोगों के बीच में रहें, बाहर ना जाएं, sanitizer use करें आप, हर 1-2 घंटे के अंदर बार बार अपने हाथ को wash करते रहें, हाथ को जितना हो सके दूर रखें, कहीं भी टच ना हो ऐसे, हमेशा कहीं भी टच ना हो किसी भी, भले अपने घर वाले मेंबर से भी नहीं होना है टच, यार कुछ भरोसा नहीं, कहाँ पता नहीं कहाँ को कोरोना करके बैठ गया आपके ऊपर, और पता पड़ा दूसरे जमा हो गए,
है ना, तो आपसे ज्यादा आपको आपकी चिंता नहीं है, लेकिन आपके साथ वाले लोगों को, आपके जो घर वाले हैं उनको आपकी बहुत चिंता, क्योंकि उनके लिए आप एक भगवान हो, उनके लिए आप एक, आपका एक प्लेस है उनकी लाइफ में, क्योंकि हर इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता है। लेकिन आपके साथी लोगों से पूछिए कि आपकी वैल्यू क्या है, कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो उनके जीवन कैसा हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू वो बहुत अच्छे से करते हैं, तो उनका वैल्यू का ख्याल रखें आप, आपको अपना ख्याल नहीं रखना है, उनका ख्याल रखना है। सो स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड, राइट, और लेट्स कोरोना कोरोना वाह क्या नाम है, नाम भी इतना जोरदार दिया यार भाई, मजा आ गया यार। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर द वैक्सीन टू कम आउट, बस कुछ गर्मी का मौसम आ जाए यार, कुछ 8-10 दिन की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन का क्यों जनता कर्फ्यू रख दिया यार, इसको कम से कम अपनी तरफ से आप कंटिन्यू करें 7-8 दिन तक, एंजॉय करो घर के अंदर यार, बहुत से लोगों के पास बहुत सारे एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप भी एंजॉय कर लो, लेट्स प्ले एट होम। अगर आप शादीशुदा है तो एंजॉय कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अगर खुद बच्चे हो तो अपनी फिजिक्स है यार, एंजॉय करो उसके साथ में, लेट्स प्ले फिजिक्स, लेट्स प्ले केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। जय हिंद, मिलते हैं कल, ठीक है, कल वापस मिलेंगे क्रैश कोर्स के अंदर, अगेन सेम स्टार्ट करेंगे टुमारो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी, मिलते हैं, राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल, फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को अभी तक क्लिक नहीं किया है क्लिक कर लें, राइट, मिलते हैं कल वापस, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।